बिटवा। आ गया ग्रैनी। अरे रुक, पहले अपने ग्रैंडपा को तो आने दे, फिर साथ में खाना खाएंगे। ग्रैनी आधी रात हो चुकी है, ग्रैंडपा पता नहीं कब तक आएंगे, मुझे तो खाना खाने दो। किसी काम में फंस गए होंगे बेचारे, थोड़ा सब्र तो कर ले, बस ग्रैंडपा आते ही होंगे। ग्रैनी आपको अपना पत्नी धर्म निभाना है तो निभाओ, लेकिन मुझे तो खाने दो। और ग्रैंडपा आज पहली बार लेट थोड़ी आए हैं, उनकी तो लेट आने की रूटीन बन चुकी है। हाँ बिटवा तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, काफी दिनों से देख रही हूँ बुढ़ाओं की लेट आने की आदत बन गई है। मैं तो तंग आ चुकी इस बुढ़ाओं से। बिटवा एक काम कर, तू खाना खा ले। हाँ ठीक है ग्रैनी, सॉरी हाँ मुझसे रुका नहीं जा रहा है। मैं तेरे ग्रैंडपा के साथ ही खाना खाऊंगी। अरे वाह, पार्टी शार्टी कर तो मजा ही आ गया, लगता है दोनों सो गए हैं। मैं भी चुपचाप से जाकर सो जाता हूँ। सब नहीं सोए हैं ग्रैंडपा, ये बिटवा अभी जाग रहा है। तू अभी तक सोया नहीं? टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है, रात के 3 बज रहे हैं, कहाँ से आ रहे हो? ये ग्रैनी का चमचा तो ग्रैनी को चुगली मार देगा, कोई अच्छा सा बहाना बना देता हूँ, वरना कल मेरी बहुत धुलाई होगी। मैं एक नया बिजनेस खोल रहा हूँ तो उसकी मीटिंग में थोड़ी देरी हो गई। चल हट, अब मुझे सोने जाने दे। ओह नो, आप लिटल लिटल लगाकर आ रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे पसीने की दुर्गंध है। अरे कुछ तो शर्म करो, बेचारी ग्रैनी डिनर पे आपका वेट कर रही थी, बेचारी आपका वेट करते करते भूखे ही सो गई। मैंने कहा था उसे भूखे सोने के लिए, और जो चुप कर वरना तेरी ग्रैनी जाग जाएगी। इसीलिए तो अब तक मैं चुप हूँ। ना समझ लड़के, अब मुझे सोने जाने दे। ये बुढ़ाऊ भी ना, इसकी आवारागर्दी बढ़ती जा रही है। बाबू तुम रात को इतने लेट क्यों आए? वो जाना, मैंने एक नया बिजनेस खोला है ना, तो उसकी मीटिंग थोड़ी देर रात तक चली, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। ग्रैनी ग्रैंडपा झूठ बोल रहे हैं, ये रात को लिटल लिटल लगाकर आए थे। ओ, क्या बुढ़ाऊ बिटवा सच बोल रहा है क्या? नहीं स्वीटी, मेरा यकीन करो, ये बिटवा झूठ बोल रहा है। बिटवा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। तेरी ये मजाल, तू काम का बोल के आवारागर्दी करने जाता है। मैं यहाँ भूखी प्यासी तेरा इंतजार कर रही थी और तू वहाँ पे पार्टी शार्टी कर रहा था। बस अब बहुत हुआ, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ओह नो, कहाँ? हमारे नए घर। और कहाँ? कान खोल के सुन ले बुढ़ो, मैं तुझे छोड़ रही हूँ और मैं दूसरी शादी कर रही हूँ। तुमसे इस उम्र में शादी करेगा कौन? लगता है तुम्हारे दिमाग का पुर्जा हिल गया है। मैंने फैसला कर लिया है, मेरी दूसरी शादी होके रहेगी। This is my final decision. क्या अब होगी ग्रैनी की शादी? लो हम पहुंच गए। ग्रैनी आपने ग्रैंडपा को बिल्कुल सही सबक सिखाया। शादी के बारे में आपने क्या मस्त झूठ बोला उनको, डरी गए थे ग्रैंडपा। वो सब झूठ नहीं था बिटवा। तो मैं सच में दूसरी शादी कर रही हूँ, अब मुझे उस बुढ़ो की शक्ल नहीं देखनी। ओह नो। लेकिन नमस्ते पापी जी, और बिटवा कैसा है? नमस्ते फिर ग्रैंडपा। अरे देवर जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी जी मैं पास से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों के हालचाल पूछते चलूं। अच्छा हुआ तुम यहाँ आए, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम मुझ ना चीज से? क्या तुम मुझसे शादी करोगे थीफू? ग्रैनी आप क्या बोल रहे हो, शादी और थीफ ग्रैंडपा के साथ? क्या आप सच बोल रहे हो? हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। निक्की और पूछ, हाँ मैं आपसे शादी जरूर करूँगा। वैसे जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मैं आपको देखकर लट्टू हो गया था। लेकिन ग्रैनी एक बार सोच तो लो। मैंने सब सोच विचार कर लिया है बिटवा, ये शादी तो होके रहेगी, ग्रैनी वेड्स थीफ ग्रैंडपा। मेरी तो निकल पड़ी। ग्रैनी इस शादी के फैसले के बारे में आप फिर से सोच लो, जो आप करने जा रहे हो वो गलत है। चुप कर बिटवा, ये मेरा आखिरी फैसला है। बिल्कुल सही बोला पब्बी जी। ये भाभी भाभी क्या लगा रखा है, अब मुझे बेबी बोलने की आदत डालो। आदत डालने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके पब्बी बेबी जी। चल बिटवा शादी में क्या क्या करना है उसकी लिस्ट बना लेते हैं। ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी तो होके ही रहेगी। जाना तुमको शादी के लिए चोरू चक्का आवारा काम चोरी मिला था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले हबी के बारे में कुछ भी बोलने की? बिटवा इसे धक्के मार के बाहर निकाल। हाँ ग्रैनी, ग्रैंडपा सुन लिया ना, चलो
निकलो यहाँ से, जाओ अपने घर। सॉरी ब्रो, शी इज माइन नाउ। पता नहीं ग्रैनी इस थीव ग्रैंडपा से शादी क्यों कर रही है। मैं इस थीव ग्रैंडपा को अपना ग्रैंडपा कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आ कैसी हो सिलेंडरना दीदी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है रे छुटुआ? दीदी खुशखबरी सुनानी थी आपको। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? घर में शादी होने वाली है। वाह मुबारक हो छुटुआ, तेरी शादी हो रही है, क्या बात है? अरे नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर रहा, अभी तो मैं छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा बच्चा हूँ। तो फिर किसकी शादी हो रही है? ग्रैनी की। ग्रैनी ग्रैंडपा फिर से शादी कर रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ग्रैनी थीव ग्रैंडपा से शादी कर रही है। व्हाट? कबर में जाने की उम्र में बुढ़िया दूसरी शादी कर रही है। ओ अगर ये बात सच है तो मैं शादी में बिल्कुल नहीं आऊंगी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहूंगी, क्या इज्जत रह जाएगी मेरे खानदान की। ओह नो। ठीक है दीदी, वैसे मैं आपको बता दूं कि हमने राजस्थान के टॉप कैटरर को खाने का ऑर्डर दिया है। हाँ? और नथुराम हलवाई से टॉप की मिठाइयाँ आने वाली है। व्हाट? दैट्स माय फेवरेट। रंगारंग डीजे मंगवाया है। अरे वाह। और रिटर्न गिफ्ट में सभी गेस्टों को चांदी का सिक्का देने का सोचा है। अरे ये शादी तो बहुत तगड़ी लग रही है, ना जाके मैं अपना ही नुकसान करवाऊंगी। आऊंगी मैं शादी में, जरूर आऊंगी। आप फाइनल लाइन पे। चलो दीदी फिर शादी में मिलते हैं। ओके टेक केयर, बाय बाय। लालची है एक नंबर की। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। क्या बात है भैया जी, आजकल आप बड़े बिजी चल रहे हैं। मगरू भाई शादी की तैयारियों में बिजी था। मुबारक हो भैया जी, आप शादी कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं मगरू भाई, मेरी शादी नहीं हो रही है। तो फिर किसकी हो रही है? शादी हो रही है ग्रैनी और थीव ग्रैंडपा की। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया जी? ओह नो मगरू भाई, मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हाँ भैया जी, लेकिन अब किया कहा जा सकता है, जब मियाँ बीबी राजी तो कहा करेगा काजी। मैं तो ग्रैनी की खुशी में ही खुशी ढूंढ रहा हूँ मगरू भाई। भैया जी तैयारियों में कोई मदद चाहिए होगा तो हमको जरूर बताइएगा। ओह हाउ स्वीट मगरू भाई, आपको जरूर बताऊंगा। चलो मैं चलता हूँ, बाकी तैयारियाँ देखनी है। ओके भैया जी, सी यू। ओके टेक केयर, बाय बाय। ग्रैनी आप क्या करने जा रही हो? ग्रैंडपा को सबक सिखाने के लिए एक चोर चक्के नकारा निकम में काम चोर से शादी करने जा रही हो, वो भी थीव ग्रैंडपा से? ओह नो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कितनी हैप्पी फैमिली थी हमारी, इस बुढ़ाऊ की आवारा गर्दी ने सब बिगाड़ दिया। ओह नो बिटवा। हाँ ग्रैनी। डेकोरेशन हो गई? हाँ ग्रैनी बस डेकोरेशन चली रही है। शुक्र है बिटवा, सारा काम टाइम पर हो गया। आई एम सो एक्साइटेड टू गेट मैरिड अगेन। आप एक बार फिर से सोच लो, ग्रैंडपा को माफ कर दो ना प्लीज। बिल्कुल नहीं, उस बुढ़ाऊ को मैं कभी माफ नहीं कर सकती। आप थीव ग्रैंडपा से शादी करके ठीक नहीं कर रही। बस मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेडी संगीत शुरू होने वाला है, जाकर तैयार हो जा, कल शादी है एंड दैट्स फाइनल। ओह नो। हाय रब्बा, मेहंदी वाली बस आती ही होगी। फाइनली ग्रैनी शादी का दिन आ गया। हाँ अलीले कितना प्यारा लग रहा है मेरा बिटवा। थैंक यू थैंक यू। वैसे ग्रैनी आप दुल्हन के रूप में एकदम ललन टॉप लग रही हो। थैंक यू डार्लिंग, सबसे महंगे मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाया है। चोर ग्रैंडपा कहीं आपको देखकर बेहोश ना हो जाए। हाँ सही कहा बिटवा, देखना बारात आ गई क्या। हाँ ग्रैनी बस बारात आती ही होगी। बिटवा जा, तब तक सारे मेहमानों को अटेंड कर, मेरी शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके ग्रैनी। और कैसी हो सिलेंडरना दीदी? क्या बात है छुटुआ, तू तो एकदम हीरो नंबर वन लग रहा है। थैंक यू चल जल्दी से मेरे लिए वोडका और मेरे जानू के लिए नीट ले आ। अच्छा ठीक है लेकर आता हूँ। और कैसे हो ट्विंस भाई? हम तो मस्त है बिडू, तू कैसा है? एकदम फर्स्ट क्लास बिडू, बहुत भूख लगी है, फटाफट से आप उनके लिए चार प्लेट राज कचौड़ी लेकर आ। देखिए फूड काउंटर्स पीछे की तरफ लगे हुए हैं, सेल्फ सर्विस है तो आपको खुद लेना होगा। अरे यार। हाय मिस्टर मीट अंकल, हाय मिस्टर आंटी, हाउ आर यू? तुम्हारी ग्रैनी को शर्म आनी चाहिए, इस उम्र में दूर से शादी करते हुए। हाँ सही कहा तुमने मिस्टी। देखिए ग्रैनी का निजी मामला है, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते,
वो कहते हैं ना कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। आप शादी एंजॉय कीजिए। हाँ मुझे शर्म आ रही है इसे अपनी बहन बुलाते हुए। ठीक कहा बार्बी, मैं तो सिर्फ रिश्तेदारी निभाने आई हूँ। I can't believe it, उन्होंने ये फैसला कैसे ले लिया। मम्मी चाचू के साथ को शादी कर रही है। Oh my God, ये भी कोई उम्र है इस बुढ़िया की दूसरी शादी करने की। वही तो। Shame on her। इसी तरह के ताने ग्रैनी को जिंदगी भर सुनने होंगे। और देखो तो जरा इन लोगों को, फ्री का ठूसने भी आए हैं और ग्रैनी की बुराई भी कर रहे हैं। सुर्खो जोड़ा चांद से दुल्हन, जमीन पे फलक से। अरे ये तो मेरे पुराने हबी की आवाज लग रही है। परी आ गई है। अरे ग्रैंडपा आप यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रैनी ने आपको शादी में आने से मना किया था ना। बिटवा कैसे भी करके शादी को रोक दे, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ग्रैंडपा अब आपका पत्ता कट चुका है, ग्रैनी आपको अपनी जिंदगी से निकाल चुकी है। लेकिन बिटवा ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर आज आपकी हरकतें अच्छी होती ना तो हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। शादी का मुहूर्त निकले जा रहा है, जल्दी से दुल्हनिया को मंडप पे ले आइए। पंडित जी दुल्हन बस थोड़ी देर में आ रही है। शादी की रस्में अब शुरू करते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा जल्दी आओ। बिटवा तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ग्रैंडपा मैं नहीं चाहता कि ग्रैनी की शादी किसी और से हो जाए, तो मैंने थीव ग्रैंडपा को बेहोश कर दिया है। तो ये कि शादी के मंडप पे थीव ग्रैंडपा बनकर आप बैठोगे। क्या तू सच बोल रहा है? हाँ ग्रैंडपा, मैं नहीं चाहता कि आप दोनों अलग हो जाओ। बिटवा तू हमेशा खुश रहे, तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, तूने मेरे सीने का बोझ हटा दिया। आपको एक वादा करना होगा कि आप अपनी हरकतें बंद कर दोगे। हाँ मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुम दोनों को कभी तंग नहीं करूंगा। चलो 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 जल्दी रेडी हो जाओ, शादी की रस्में शुरू होने वाली है। हाँ मैं जल्दी से रेडी होकर आता हूँ। चलिए पंडित जी अब जल्दी से शादी करवा दीजिए। वर वधु जल्दी से एक दूसरे को माला पहनाइए। मुबारक हो, विवाह संपन्न हुआ, अब आप दोनों पति पत्नी हुए, सदा खुश रहिए। अरे वाह, मुबारक हो ग्रैनी, मुबारक हो ग्रैनी, मतलब थीम ग्रैंडपा। मुबारक हो काकी काका, कांग्रेचुलेशन। मुबारक हो, मुबारक हो। कांग्रेस न्यू हबी, कांग्रेस स्वीट हार्ट। धोखा, मेरा साथ धोखा हुआ है। व्हाट, दादा थीव ग्रैंडपा? पापी बेबी जी आपकी शादी गलत बंदे से हो गई है। शादी मेरी बिल्कुल सही बंदे से हुई है, आप सब भी देख लो। जाना तुमने मुझे कैसे पहचाना? ये सब बिटवार मैंने प्लान किया था तुम्हें सबक सिखाने के लिए, ताकि तुम लाइन पर आ जाओ, इसलिए हमें शादी का ड्रामा करना पड़ा। तो बोलो अपनी हरकतों से बाज आओगे कि नहीं? माफ कर दो बेबी, आइंदा से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तोक्का, मेरे नाल तोक्का हुआ है। चलो कोई नहीं, अब मैं अपने घर चलता हूँ। चोर उचक्के, जो सारा माल लपेट के यहाँ से ले जा रहा है उसे चुपचाप से वापस रख दे। ओह नो। शादी और इस चोर उचक्के से नो, नेवर, ई यू, लव यू बाबू, लव यू जाना। तो ग्रैनी ग्रैंडपा आपको शादी मुबारक हो। वाह बड़ू, क्या ट्विस्ट था। कांग्रेस डार्लिंग्स, कांग्रेचुलेशंस। सुकर मेरी इज्जत पे कोई आंच नहीं आई, मुबारक हो ग्रैनी ग्रैंडपा। आप दोनों को शादी की शुभकामनाएं, हमारा बिटवा रॉक्स। ये सब बिटवा की वजह से हुआ है, लव यू बिटवा। हाय गाइस, तो फटाफट से मोहकमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आप भी ग्रैनी की शादी में आना चाहेंगे ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहकमी।